विदिशा जिले के ग्यारसपुर में आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवालयों में भक्तों का तांता सुबह 4 बजे से ही लगा रहा, जहां पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों के द्वारा अभिषेक किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी राकेश दुबे ने बताया कि ग्रामवासी बड़े हर्ष उल्लास के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। शाम के समय शिव बारात निकली और सुबह से ही ग्यारसपुर से अलग अलग शिव मंदिरों पर माता बहनें पूजा के लिए पहुंची थी। वहीं ग्यारसपुर के वरिष्ठ नागरिक जगन्नाथ प्रजापति बताते हैं कि ग्यारसपुर का इतिहास काफी पुराना है। जानकार ऐसा बताते हैं कि ग्यारसपुर में 11,000 शिवलिंग प्रकट हुए थे, वर्तमान में 1100 आज भी मौजूद है। ग्यारसपुर के चारों तरफ जंगल में, मंदिर में, गली मोहल्लों में शिवलिंग स्थापित है। वहीं दूसरी ओर दमदमा धाम खप्परवाली माता के पास मोटे शिवलिंग, चांदलावली माता देवी के नीचे जंगलों में शिवलिंग श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ पूजा के लिए पहुंचे। बड़े ही धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।